देवास शहर में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे चिकन मटन की दुकानों पर नगर निगम द्वारा आज गुरुवार को फिर से चालानी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि गत दिनों निगम सभापति रवि जैन को अवैध रूप से संचालित चिकन मटन की दुकानें शहरी एवं रहवासी क्षेत्रों में संचालकों द्वारा चलाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। सभापति ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि अवैध रूप से संचालित चिकन मटन विक्रेताओं द्वारा कार्रवाई की जाएगी। निगम उपायुक्त वित्त पुनीत शुक्ला को अवैध रूप से संचालित इन दुकानों पर चालानी कार्रवाई करते हुए निर्देश दिए हैं। साथ ही सभापति ने उन्हें यह भी बताया कि शीघ्र ही अवैध रूप से संचालित चिकन मटन की दुकानों को शहरी एवं रहवासी क्षेत्रों में बंद भी करवाया जाए। सभापति ने अवैध रूप से संचालित चिकन मटन विक्रेताओं को संचालकों से अपील की है कि वे शहर में सार्वजनिक स्थानों पर रहवासी क्षेत्रों मुख्य बाजारों तथा मुख्य मार्गों एवं चौराहों पर इस प्रकार की दुकानें संचालित न करें। इसी कड़ी में उपयुक्त शुक्ला के निर्देश अनुसार आज गुरुवार को चामुंडा कुंज कॉलोनी एवं रामनगर एक्सटेशन एवं अवैध रूप से संचालित चिकन मटन की दुकानों पर चालानी कार्रवाई की गई तथा अर्थदंड वसूलते हुए सख्त हिदायत भी की गई। इसी के साथ रहवासी क्षेत्र में सड़क पर संचालित अटाले को गोडाउन संचालक द्वारा सड़क पर अटाला डाला हुआ पाया गया। संचालक पर चालानी कार्रवाई की गई तथा तत्काल अटाला उठवाए जाने के निर्देश निगम अधिकारी हरेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा दिए गए। आयुक्त महोदय के निर्देशन कल से लेकर आज तक लगातार मैंने 17 लोगों पर चालानी कार्रवाई की है और जहाँ जहाँ पर इस तरह के अवैध व्यापारियों की जानकारी प्राप्त हो रही है मैं निरंतर वहाँ पर जाकर चालानी कार्रवाई कर रहा हूँ। पूर्व में लाइसेंस कुछ लोगों को जारी किए गए थे जो जनसंख्या के मान से 62 लोगों को जारी किए गए थे, उनका भी हमने नवीनीकरण नहीं किया और कई लोग हमें लगातार नवीनीकरण के लिए और नया लाइसेंस के लिए आवेदन आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि नगर निगम के पास ऐसी अभी व्यवस्था है नहीं, जहाँ पर है वहीं पर उनको बैठना है, लेकिन जहाँ पर हम बैठने का बोलते हैं वहाँ पर ये बैठते नहीं है और रहवासी क्षेत्र में बैठते हैं, इसलिए वो पर अपने आप में वो आवैधानिक रहता है। जो भी रहवासी क्षेत्र में है उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमने कहीं पर भी रहवासी क्षेत्र में चिकन मटन दुकान संचालित करने का लाइसेंस जारी नहीं किया है। वर्तमान में नगर निगम के दो स्लाटर हाउस है, वहीं पर ही जो वहाँ पर जो बैठते हैं वही वैलिड है, बाकी जो इधर उधर बैठते हैं वो अपने आप में अनवैलिड है। बताया ना मैंने आपको आज की तारीख में 17 कार्रवाई की है मैंने, यदि वो खुलती है तो फिर उन पर चालानी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। हरेंद्र सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर निगम देवास। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।